झरोका के एक कार्यक्रम साथियों ताइव्यूनी और एक ऐसे गांव जहां पर बहुत कुछ होता है। आज कई ऐसे एपिसोड्स में आपने देखा, हमने नंगोना के खेती के बारे में आपको बताया। अब वो खेती के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में हमारे साथ में यहाँ पर रुद्रानंद सांडिल जी है। सबसे पहले रुद्रा भाई आपको नमस्ते। नमस्ते, आपको भी नमस्ते प्रकाश भाई। रुद्रा, अपना प्रोसेस के बारे में बताएं कि ये सब कैसे आप करते हैं, कहाँ से लाते हैं? ये प्रोसेस हम किसान के यहाँ से लाते हैं। किसान के यहाँ से लाकर हम यहाँ प्रोसेस करते हैं। अभी से आप देख रहे हैं, ये रात हो चुका है, परंतु ये सब स्टाफ काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग देश के प्रति कुछ कमाई लेके आए और फिजी टापू के नाम कमाएं, यही हमारे मकसद है। अच्छा, ये बताएं हमें कि ये जो फार्मर्स हैं उनसे आप लेते हैं? जी हाँ, ये फार्मर्स से लेते हैं। फार्मर्स से लेकर फिर हम यहाँ आकर प्रोसेस करते हैं। फिर ये प्रोसेस करने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीजा चल रहा है, इसको चिल कर रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में समझाएं। ये फ्रीजा में जाकर चिल्ड होकर फिर जाएंगे, यहाँ से बोट जाएंगे सुबह से, वहाँ से क्वारंटीन फिर होंगे। क्वारंटीन बड़ा बड़ा न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड पे होगा। क्वारंटीन वैसे नहीं होगा कि एनी हाउ, क्वारंटीन न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड में होगा। पोल्टी कंट्रोल सब कुछ रहेगा, पोल्टी डालो स्टैंडर्ड डालो सब रहेगा। तो ग्रेडिंग आप यहीं पर कर लेते हैं? ग्रेडिंग यहाँ पर कर देंगे, बिकॉज कि जोन चीज वहाँ पर मार्केट मांगता है। जोन चीज मार्केट मांगता है तो वही मार्केट पोल्टी हम देते हैं। वैसे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आपके काम वाले हैं ये जुटे हैं, हमारे ख्याल से 10-20 लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी, ये कितना बजे तक काम ये सब करेंगे? ये करेंगे जब ले ये ख़त्म नहीं होगा। ये आज ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, ये आज ख़त्म नहीं होगा, इनके भेजना है, कल ये फिर तैयार होकर आएंगे, तो इसके कुछ ताकत बचना जरूरी है। अच्छा अच्छा, इधर अतीश है जो मेन डायरेक्टर है और जो यहाँ से कई ऐसे काम करते हैं। इसके पास एक टिन फैक्ट्री है, जो लोग टिन खरीदते हैं इनसे करते हैं, इसका आउन टिन फैक्ट्री है यहाँ पर। वैसे ही नंगोना के भी खेती करते हैं, डालो के भी खेती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सबसे पहले अतीश, आपको भी नमस्ते। नमस्ते भाई। अच्छा अतीश, आप बताएं अपने विषय में, आप के अपने पिता के नाम और आपके फैमिली के बारे में पहले बताइए। वैसे तो मैं तविनी का ही पैदाशी हूँ और मेरा पिता वो लम्बासा से आए हुए थे, मेरा माताजी तविनी का ही है और हम लोग बड़े गरीब से आए और हम लोग गांव में रहते थे, गरवालू गांव में। छोटे से पले बड़े हुए, क्लास 3 में था, फैमिली ब्रेकअप हो गया। फिर मैंने स्ट्रगल बहुत किया अपने लाइफ में, खेती किया, दूसरों को नौकरी किया। $3 एक दिन का हमारा वेजेस था। मेरा एजुकेशन लेवल तो मैं सेकेंडरी स्कूल में तो पैर भी नहीं रखा, सिर्फ प्राइमरी में ही था, क्योंकि हमें ज़रूरत था हमारे फैमिली के लिए लुक आफ्टर करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, किसी प्रकार अपना जो मेरा भाई बहन छोटा और मेरा माताजी था उनको देखभाल करना था। तो हमने खेती भी शुरू करा, नौकरी भी करता था। जाते जाते एक विचार आया कि चलो हम कर सकते हैं, अकेले भी हम कर सकते हैं, हिम्मत है तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम फिर खेती किया, थोड़ा बड़े रकम से खेती स्टार्ट किया। हमारे पास में ही एक ज़मीन था, डालों का और कावा प्लांटिंग हम स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मेरा दिमाग में प्लान आया कि हम कुछ करके दिखाएंगे, अब क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें कि अच्छा चलो 5 साल या 10 साल के अंदर में हम ये करके दिखाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम ये फार्मिंग, हम देख रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा टिन फैक्ट्री है, इसके विषय में बताइए, ये कैसे रुचि आई कि इसको शुरुआत करें? जब मैं अपना एक अच्छी प्रॉपर्टी टाउन एरिया में तवीर के माइंड टाउन में लिया और अपना टायर सेंटर जो ऑपरेशन स्टार्ट किया और सबसे पहले आपने बिजनेस में टायर के बिजनेस शुरू किया। जब हमने गाँव में अपना तरक्की किया तो हमारे दिमाग में प्लान आया कि अच्छा चलो भाई एक बिजनेस करेंगे हम,
और बिजनेस फील्ड में चलेंगे, क्योंकि मेरा दिमाग में छोटे से बिजनेस चल रहा था। तो मैंने सेकेंड हैंड टायर से स्टार्ट किया। तो एक कंपनी लंबासा का मैं उनसे लेने गया और उनसे ही स्टार्ट किया। तो कुछ महीने तक मैंने उनसे लिया, फिर मैंने पता किया कि ये आता कहाँ से, पता लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से आते। तो मैंने किसी प्रकार संपर्क किया और वहाँ से फिर एक 20 फुटा मंगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ा कि मैं नया टायर मंगाऊँ अपना टापू में, क्योंकि यहाँ पर एक को टायर शॉप नहीं था और व्हीकल तो बहुत था। तो फिर आस्ते आस्ते मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिया और टायर शॉप बनाया, टायर रिपेयर सेंटर बनाया, कावश ऑपरेशन स्टार्ट किया, फिर एक व्हील अलाइनमेंट मशीन लिखा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे टापू में यहाँ पे कि हर एक गाड़ी जो वो टायर काटता है, क्योंकि यहाँ का जो रोड है वो सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक अलाइनमेंट मशीन चाहिए, तो मैं वो भी मंगाया, चाइना से आया, वो इंस्टॉल हो चुका, चल रहा है। तो अपने तवीनी के लोगों के लिए मैं कुछ नया करना था हमें। तो इसी प्रकार मेरा फिर से एक प्लान बढ़ा कि चलो जो तवीनी में नहीं है हम वो लाए अपने, वो लेके आए, जो नहीं है उसको लाए। तो मैंने विचार किया, मैंने गया कई बड़े कंपनी में, सूबा में, लोटोका में, देख कर आया कि भाई ये सब कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा किसी दिन मैं इसी तरह से मैं एक अपना फैक्ट्री यहाँ पर रखूँगा और तवीनी के लोगों के लिए इनको मैं सप्लाई स्टार्ट करूँगा यहाँ। तो फिर मैंने एक बिल्डिंग खड़ा किया यहाँ पर, एक मशीन का बंदोबस्त किया चाइना से, ब्रांड न्यू मशीन। फिर अपना जो कोइल्स है, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स मंगाया और फिर स्टार्ट किया। तो चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। हम लोग हार्डवेयर को भी सप्लाई कर रहे हैं, हार्डवेयर को भी दे ले। शर्त था उनका, एक मकसद था, वो कंडीशन दिया था कि हम लोग सिर्फ हार्डवेयर को दे और एक को इंडिविजुअल को ना दे। तो मैंने वो तो नहीं साइन किया, क्योंकि हमारा दिमाग में वो नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मैंने जो आया बड़ा हुआ तो हर एक इंडिविजुअल इंसान से जो फार्म आए वो अपना प्रोडक्ट हम ही दिया, हमने बेचा, उनसे प्रॉफिट कमाया, फिर कैसे हम उनको नहीं दे। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हें लेना है तो हमसे लो, और पर ये कंडीशन हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं फार्मा से ही ऊपर आया हूँ और मैं उन्हीं को दूंगा, मैं हर एक को दूंगा जो कोई चाहता है। तो मैंने कंडीशन नहीं मानी और नहीं साइन किया। तो अभी मेरा जो फैक्ट्री है बिल्कुल कोई भी लोग आकर ले सकते हैं, यानी कि एक फैक्ट्री, वो लोग कहते हैं फैक्ट्री तो सिर्फ एक बड़ा शॉप्स को सप्लाई करता है तो इंडिविजुअल को नहीं देता, पर हमारा तो वो नहीं चलता। हमारा ये विचार है कि हम हर एक को दे, क्योंकि हर एक को हक है हमारा फैक्ट्री पे। तो लोग फिर सपोर्ट किया आपको? बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा फैमिली तो ब्रेकअप था, उनके ही सपोर्ट बिना आज हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। तो कहने के मतलब ये है कि ये टिन फैक्ट्री के ख्याल से आया आपने। अच्छा, अब देख रहे हैं कि बहुत बड़े तादाद में आप दालों का, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम कहेंगे ताइवानी के है, तो इसमें आप हमें और खूबियाँ बताएं कि इसमें और क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ता है सर? हाँ, मेन बात ये होता है क्योंकि यहाँ जो फार्मिंग करते हैं लोग, ये तो बड़ा ही पहाड़ ऊँचे स्तर पर और यानी कि रूरल एरिया में होता है, पहाड़ होता है, जहाँ रास्ता वगैरह नहीं होता है, वो घोड़ा पहलाते हैं, रास्ता के निकट लाते हैं, वहाँ से फिर हम लोग अपना गाड़ी में उनको मेन रोड पर लाते हैं, फिर हमारा जो बड़ा ट्रक है वो जाता है, पिकर कर लाता है, फिर वहाँ से हम लाते हैं, यहाँ पर स्टोरेज करते हैं, फिर उसके बाद में धोने के काम करते हैं, वहाँ से यह प्रोसेस होता है, फिर उनको झुराना पड़ता है, 20 kg बैग या पैक होता है, फिर यहाँ से हम उनको टेम्परेचर रिमेन करते हैं, तब कहीं जाकर वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उनके टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी होना चाहिए। तो फिर वो सब करके यहाँ से ये ट्रक सीधा फ्रीजर ट्रक सुबह को जाएगा, फिर हमारे शिपिंग यार्ड है वहाँ पर ये ट्रांसफर होगा रिफा कंटेनर में, फिर वहाँ से डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो जाएगा, तो न्यूजीलैंड की ओर रवाना हो जाएगा। न्यूजीलैंड की। अच्छा, ये रुद्रा, आप हमें बताएं कि इतने स्टाफ के साथ में आप तकलीफ पड़ता है इनके साथ काम करने के लिए? ना, कुछ नहीं तकलीफ, कुछ तकलीफ नहीं है, परंतु इनके लेके आना, ले जाना, बहुत दूर से हम लोग नहीं लेके आते हैं। अच्छा, थोड़ा करीब से लेके आते हैं, परंतु वो आ जा सकते हैं, कभी काल तो तकलीफ होता है। तो ये लगभग कितना घंटा यहाँ पे काम करते हैं?
शिपमेंट आता है? ये जब शिपमेंट आता है तो ये दिन में ओवर टाइम भी करते हैं। अच्छा, 12-13, 14 घंटा? जी हाँ। ऊपर ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि अगर वो करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है तो भाई जाओ रेस्ट ले लो 1-2 घंटे का, फिर वापस आना लौट कर, और जो नहीं आना चाहते तो उसके बदले में हम दूसरा कोई को बुलाते हैं, क्योंकि हमारा पास ये 2-3 लोट है। अच्छा, तो हम चेंज करते हैं। कभी कभी जब काम पड़ता है तो हम सभी को बुला लेते हैं कि हमारा जो एजेंट है रात भर काम होगा और हमें कल शिपमेंट भेजना है तो ओवरनाइट करना पड़ेगा। हमें अपना जो वादा है सप्लायर न्यूजीलैंड से, जो बाया है हमारा, मैं उनका सप्लायर हूँ, वो बिल्कुल हमारा ऊपर निर्भर है कि हम समय से उनके अपना कंटेनर और उनका प्रोडक्ट लोड करें। तो हम स्ट्रगल करते हैं, ये रात भर काम करना, दिन भर काम करना, तो ये सब कुछ कठिनाई हम अपने फेस कर रहे हैं ये बिजनेस, ये यानी कि डालो एक्सपोर्ट बिजनेस में। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि एक कंटेनर में कितना लगभग वेट होता है? नॉर्मली 13 टन कंटेनर में, 13 टन, सो दैट्स अबाउट बैग्स के। तो हम क्योंकि डिफरेंट बाया, कोई बाया 15 kg वाला बैग चाहता है, कोई 20 वाला, कोई 30 वाला चाहता है। अच्छा, तो हम बैग के मुताबिक कर रखे कि अगर 20 kg बैग हो तो 600 या 700 के बीच में होना चाहिए। हाँ, 650 बैग्स एक कंटेनर में, 13 टन, या तो फिर 600 बैग। हाँ, तो 20 kg बैग वाला रहा तो एक कंटेनर आप कितने दिन में उखाड़ के इसको प्रोसेस करके फुली रेडी टू एक्सपोर्ट कर अप्रोक्सीमेटली कितना दिन लगता है? बिटवीन 5-7 डेज हम उनको उखाड़ कर लाकर अपने यार्ड में प्रोसेस कर कंटेनर में रख देते रेडी टू एक्सपोर्ट। अच्छा, वंस इट इज गो, जब ये एक बार कंटेनर में चला जाता है तो इसका जो टेम्परेचर है एक लेवल पे रहता है, फिर ख़राब नहीं होता, यही रकम रहता है? जी हाँ, +8 पे होना चाहिए। +8 डिग्री प्लस पे ना, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा खोलना बंद करना है, यानी कि जाना है भीतर फिर आना है, तो हम थोड़े से और उनको डाउन करेंगे, क्योंकि हमें वो क्वालिटी रिमेन चाहिए। ज़्यादा गर्मी भी ये नहीं ठीक है इसकी? ना, सेकंड टेम्परेचर 8 डिग्रीज में जाता है। तो एक कंटेनर हमारे ख्याल से लगभग शायद 70-75,000 तक के डालो होता है। हाँ, पहुँच सकता है, तो उससे ज़्यादा भी होता है। हर महीना करते हैं? हम हर हफ्ते करते हैं। हर हफ्ता एक कंटेनर, ये न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट है। सो देयर यू गो साथी, हो जो डालो आप ओकलैंड में खाते हैं या फिर आप न्यूजीलैंड में खाते हैं, यहाँ से ही जाता है। ताइवानी का जो डालो है, जो सबसे नंबर 1 डालो है, इसको आज हम टेस्टिंग करेंगे, और अतीश भाई ने हम लोग के लिए बनाया है आज, तो ये भी हम खाएंगे और टेस्ट करके हम ज़रूर आपको फेसबुक के माध्यम से बताएंगे। साथियों, जितने भी लोग इस झरोका प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को स्वागत करते हैं, और ऐसे में अगर जो आपने इस प्रोग्राम के देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है झरोका विद प्रकाश यूट्यूब पर, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और याद रहे, दिसंबर 20 तारीख को हम लेवुका में रहेंगे, तो आपके पास कोई ऐसे कहानी है जो आप झरोका के माध्यम से आप हमारे साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे झरोका टीम को संपर्क कर सकते हैं। याद रहे, 20 तारीख को हम लेवुका में रहेंगे। हमें 100 साल या 90 साल के इर्द गिर्द के कोई भी सज्जन है जो पुराना कहानी हमको बताएं। उसके साथ साथ में साथियों, इस झरोका रिकॉर्डिंग में हम कुछ ऐसे ऐसे अजीब गरीब तमाशा भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई फिशरमैन है, अगर जो आप फिशरमैन हैं, हम एक फिशिंग ट्रिप के लिए भी हमें झरोका की ज़रूरत है, या फिर आपके कोई पहाड़ इत्यादि है, आप जाते हैं कहीं पे झींगा मारने के लिए, या फिर आप जैसे पहले हरदी इत्यादि खोदा जाता रहा, डालो टुइया खोदा जाता रहा, वो सब खेत की कुछ बातें, कुछ नारा और नदी की कहानी, और कुछ पुराने ज़माना में किस तरह से लोग शिकार करने जाते थे, तो कुछ शिकारी के लिए अगर जो आपके पास कुछ आप कर सकते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ये सब हमें ज़रूरत है। और अगर जो आप इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। Chance Construction Limited, for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property, specialized in all building works, also manage projects from start to finish. They use top quality building materials.
also do subcontracting, license building works. Call Prem on 021-026-43-638 या Pritesh on 022-064-3600. फिजी जा रहे हैं, अकोमोडेशन की तलाश कर रहे हैं? बेस्ट व्यू अपार्टमेंट्स में आपको स्पेशल रेट मिल रहा है। फैमिली यूनिट आप $120 पे नाइट से हासिल कर सकते हैं, और अगर टू बेडरूम सेल्फ कंटेन अपार्टमेंट्स चाहिए तो फोर नाइट्स के लिए $560 में आपको मिल सकता है। ये ऑफर इस साल नवंबर के अंत तक के लिए है। बुकिंग के लिए आप 6799411654 या 8448186 या फिर 6702224 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप info@bestviewapartments.com पर ईमेल कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई। राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग। हे बेबी, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों, बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए, स्टॉप इट। हाँ, ऑल इन वन किचन। यूज योर किचन फॉर कुकिंग एंड अ लॉट मोर। फॉर ऑल योर किचन स्टोरेज रिक्वायरमेंट, शॉप फिटिंग, बिल्ड अप टॉप्स एंड स्टोन टॉप, ऑल इन वन किचन। ये ब्रांड न्यू किचन के साथ किचन रेनोवेशंस भी करते हैं। 2x38 ग्रेसन एवेन्यू, पापटोए। कॉल अमितेश ऑन 02-11-272-306। इसके अलावा आप और क्या करते हैं आतिश भाई? हमारा जो फार्मिंग है, कावा का फार्मिंग हम करते हैं। हाँ। और हमारे पास ये दिमाग में आया कि चलो अच्छा, न्यूजीलैंड मार्केट में पता करें कि क्या और हम सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोविड के बाद वहाँ भी पीपल लोग जो और सस्ते वाली चीज़ जो यहाँ से हम दे सकते हैं वो ले सकते हैं, और कुछ यहाँ फार्मर्स को हम हेल्प कर सकते हैं जो वो दालों के अलावा दे सकते हैं, यानी कि नारियल होता है, दरुका होता है। दरुका यहाँ पर होता है? हाँ, होता है, पर बहुत ज़्यादा संख्या में तो नहीं, पर हिसाब भर होता है देने के लिए, क्योंकि हम पूरे कंटेनर दरु का नहीं भेज सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। तब हम मिक्स कंटेनर करते हैं, रोरो, बेले और बेले की भाजी। हाँ। और जो मिक्स डालो टारो होता है, वाइट टारो होता है। हाँ। जो कसावा होता है, और जो डालनी ताना टुइया कहते हैं हम। हाँ, टुइया। हाँ, वो सब एक कंटेनर हम मिक्स सा बनाते हैं। हाँ। हर एक चीज का, तो वो मिक्स मिल जाता है। तारो वाला कंटेनर में सिर्फ तारो और कावा हम रख देते हैं। अच्छा, तो कावा पाउंड करके रखते हैं। हाँ। रेडी पाउंड फुल रेडी टू एक्सपोर्ट है ना। और उसके साथ में जो दरु का आपने कहा, तो ये भी आप फ्रोजन करके करते हैं? दरु का फ्रोजन करना पड़ता है क्योंकि ये हम तो फ्रेश भेजते हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है इससे। हाँ। तो दरु का है, जो कसावा है, जो रोरो है, जो ये सब चीज़, ये हमें फ्रोजन करना पड़ता है। बेले। हाँ, वो उन्हें सील कर उन्हें फ्रोजन करना पड़ता है। तो आपके फ्रिज क्या सब है? हाँ, वो फैसिलिटीज हम सुबह से कर रहे हैं फिलहाल में। क्योंकि यहाँ पर करंटली हमारा जो फ्रिज है, ये नेक्स्ट मंथ बैठेगा जुलाई में, तो हम फुली ऑपरेशन यहाँ से करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ से फ्रेश कर रहे हैं, और फ्रोजन हम सुबह से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज है। हमारा जो वे हाउस है मेरिट पे लिए हुए, तो ये हमारा खुद का वे हाउस है, तो हम एक यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वे हाउस और अपना स्टोरेज खुद के। अच्छा, तो जो लोग फिलहाल इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आतिश भाई, इनको अपने ओर से आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पीजी से हमें बताया कि और क्या हमें चाहिए, तो हम अपना क्वालिटी को और बेहतर कर सके और यहाँ से कुछ देने की हिम्मत रखे, और कुछ ज़्यादा जो कुछ आपको आप लोगों को चाहिए में हम फार्मर्स को हेल्प कर सके, उनको हम इनक्रेज कर सके कि वो और अपना मार्केट में लाए, अपना फार्मिंग में बोए और उनको इस्तेमाल में लाए, ताकि वो हमारा कुछ कंट्री में इनकम वगैरह लगाए, इनको भी लाइफ में सर्वाइव करने की हिम्मत दे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बिज़नेस के साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर कुछ आपका रामायण मंडली है, भजन मंडली है, गाना बजाना, रामायण इत्यादि ये सब। हाँ भाई, ये म्यूज़िक तो मेरा खून में चल रहा है। हाँ, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं हर हफ्ते 2-3 जगह पर हम लोग रामायण पूजा पाठ का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ, और हमारा जो ससुर जी है वो ब्राह्मण है, तब इनका एक ही ब्राह्मण है यहाँ पर, तो प्रचार करता है, वो पंडित है, राम कथा वगैरह करते रहते हैं हम लोग, और भजन भाव कहीं पर मरगी, कहीं पर पूजा पाठ, कहीं भजन, तो हम लोग जाते आते रहते हैं क्योंकि धंधा जो है बिजनेस ही अपनी जगह है, और भक्ति भाव तो करना चाहिए, वो हम लोग लेकर साथ साथ चलते हैं।
गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेंडेल। यहाँ पर वॉफ टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डेनी को कॉल करें 02720925688 पर। नंबर एक बार फिर से 02720925688। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेंडेल। For all your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281-2868. खुशियों में तो सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन अपनों को खोने के गम में जो साथ देते हैं वो है ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम। पिछले दो सालों से हमेशा सैम अचारी और उनकी टीम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटे, सभी रिलीजन के अंतिम संस्कार को संपन्न करते हैं। Auckland Indian Funeral Home and On-Site Cremation Services Auckland, 11 Boulderwood Place, Viri, Manukau. अब यहाँ Easy Pay Funeral Plan की भी व्यवस्था है, Easy Installment Terms पर Advance Payments. To contact Auckland Indian Funeral Home, call 2788-600. साथियों, जितने भी लोग इस झरों का प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को स्वागत करते हैं। और ऐसे में, अगर जो आपने इस प्रोग्राम के देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है झरोका विद प्रकाश यूट्यूब पर, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और याद रहे, दिसंबर 20 तारीख को हम लेवुका में रहेंगे। तो आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप झरोका के माध्यम से आप हमारे साथ साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे झरोका टीम को संपर्क कर सकते हैं। याद रहे, 20 तारीख को हम लेवुका में रहेंगे। हमें 100 साल या 90 साल के इर्द गिर्द के कोई भी सज्जन है जो पुराना कहानी हमको बताए, उसके साथ साथ में साथियों, इस झरोका रिकॉर्डिंग में हम कुछ ऐसे ऐसे अजीब गरीब तमाशा भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे कि कोई फिशरमैन है, अगर जो आप फिशरमैन है, हम एक फिशिंग ट्रिप के लिए भी हमें झरोका की ज़रूरत है, या फिर आपके कोई पहाड़ इत्यादि है, आप जाते हैं कहीं पर झींगा मारने के लिए, या फिर आप जैसे पहले हरदी इत्यादि खोदा जाता रहा, डालो टुइया खोदा जाता रहा, वो सब खेत की कुछ बातें, कुछ नारा और नदी की कहानी, और कुछ पुराने जमाना में किस तरह से लोग शिकार करने जाते थे। तो कुछ शिकारी के लिए अगर जो आपके पास कुछ आप कर सकते हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ये सब हमें ज़रूरत है। और अगर जो आप इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सांडिल भाई, ये बताएं कि आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड बताएं। हमारे फैमिली तो, हम तो सांडिल गोत्र के हैं, हमारे परिवार कुछ पंडित है, परंतु मैं नहीं पंडित हूँ। ठीक है, बट गोत्र तो ठीक है, गोत्र सांडिल, और मैं पंडित नहीं हूँ, परंतु मैं यही सब धंधा करता हूँ। इसके अलावा पूजा पाठ में, पूजा पाठ हम लोग अतिश और हम लोग सब संगे जा रहे हैं। एक मंडली है और हम लोग के मंडली के नाम है भक्ति मंडली। हाँ, तो जिस तरह से भक्ति किया जाता है उसी नाम धर दिया आपने। भक्ति, वाह क्या बात है। भक्ति में प्रधान नहीं है कोई, उसमें खजांची नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई पोस्ट का नहीं है, सब एक बराबर का हक है। जो भी पैसा दान पुण्य आता है, हम बिल्कुल जो गरीब लोग है, जो हमारा ढोलकिया होता है दूर से आता है, अपना खर्चा करके हम सेम टाइम उनको दे देते हैं। अच्छा। जो कोई हमारा मंडली में गरीब हो, क्योंकि हमारा तो धंधा पानी ऊपर वाला के दया से चलता है, तो वो पैसा रखकर हम क्या करें, हम जोते गरीब लोग में दे देते हैं। तो हमें कोई खजांची, कोई पोस्ट के काम ही नहीं, क्योंकि हम फंड रखते ही नहीं। फंड रखते नहीं तो बवाल होता ही नहीं। और जहाँ पर पैसा होता है तो वही जगह पर बवाल आता है। बवाल तो बवाल, वहाँ पर कछाइन भी हो जाता है हमारे ख्याल से। अच्छा, वैसे आज बहुत अच्छा लगा आप दोनों से हमने बात किया, और ख़ासतौर पर सांडिल भाई साथ, जो लोग आपको देख रहे हैं अपनी ओर से क्या संदेशा देना चाहते हैं, तमाम लोग जो देख रहे हैं। जो देख रहे हैं, मेरे बगल से संदेशा है कि भाई तभी फीजी के जो प्रोडक्ट डालो, खरीद के खाओ, और अपन फिजी टापू को याद करो। और फिजी देश रकम दुनिया में कहीं नहीं देश है। बिल्कुल बिल्कुल। और अतीश भाई, अपने ओर से संदेश जो लोग देख रहे हैं। ये संदेश मेरा है कि हर कोई, अगर जिनके पास हिम्मत है, काबिलियत है, भाई कभी किसी दिन आकर हमारे टापू में, गार्डन आइलैंड जो है जहाँ पर ये उगता है, छोटा सा टापू है, वर्ल्ड मैप में तो दिख भी नहीं रहा है, पर ये एक जगह है
दुनिया में कहीं पे कहीं पर एक जगह पर है, पर इन्हें जरूर आकर देखे कि ये कैसा जगह, एक गोड, मैं कहूँगा कि एक गोड गिफ्टेड जगह है, ये नेचुरल है। अच्छा, वैसे ताइबिनी में कितने लोग रहते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मेरे ख्याल से ये कई 18,000 to 21,000 पॉपुलेशन करंटली। 20,000 लोग हैं यहाँ पर फिजी के अलावा, ताइबिनी के टापू के अलावा और 2-3 टापू जो बगल में है, उन सब मिला के। अच्छा, यहाँ पर मंदिर है? हाँ, यहाँ मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 मंदिर है हमारे टापू में। 4 मंदिर है, मैंने 1-2 मस्जिद भी देखा है। मस्जिद भी हमारे यहाँ पे, हमारे जिला में यहाँ पे एक चीज भी है, चेज भी है हमारे ये जिला पे, एक नाग बाबा भी निकला हुआ जो बढ़ रहा है। अच्छा, छोटे से हमने मंदिर बनाया है अपने काबिलियत से, हम लोग 2-4 लोग ऐसे जो रामायण पूजा पाठ करते, कुछ दान पुण्य आता है तो हम लोग गरीब में बांट देते, जो कभी कभी ज़्यादा आता है तो हम लोग उसका छत एक छोटे से बनाए, और ये उम्मीद रखे कि हम लोग अपना फ्यूचर में, क्योंकि वो बढ़ रहा है और लोग आता है दूर दूर से पूजा करने के लिए, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा सा कोई से चमत्कारी शक्ति उसमें, हाँ चमत्कारी शक्ति है वो, क्योंकि वो बढ़ रहा है, वो पत्थर पर अपना नाक पे शेप वो ही है जो कि बिल्कुल, और संख्या के लोग से के आँखों के नज़र से दूर है अभी, क्योंकि हम लोग अभी अच्छे से उसके लिए कुछ बनाए नहीं है, और हमें से बहुत खुश नहीं है, लोग लोग दूर से आते हैं पूजा करने के, और हम अभी कुछ फैसिलिटी उनके लिए बना नहीं पाए, तो हम ये उम्मीद है कि हम लोग छोटा मोटा कुछ अपना भक्तिभाव मंडली चला कर जो फंड आएगा, हम उनके छत बनाएंगे, उनकी अच्छा तरह से एक मंदिर बनाएंगे। तो अभी हमने एक टेम्परेरी बनाए हैं, छेक दिए कि वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, कि कभी ब्रेकिंग ना हो या कोई महिला निंदा इत्यादि ना करे, तो ये हमारा उम्मीद है कि हम लोग एक दो जगह पर पूजा पाठ भी किया, और कुछ बड़े लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा भैया हम लोग भी कुछ मदद करेंगे, तो पूजा पाठ की कार्रवाई है, इसमें अगर कोई मदद भी करना चाहे तो हम तो बहुत उनको धन्यवाद देंगे, आभारी होंगे, क्योंकि ये मंदिर है, ये किसी दिन एक बहुत बड़ा मंदिर होगा, इसमें चमत्कारी शक्ति विराजमान है, जो कोई भी पूजा इस पे करता है, ये नाग बाबा का शक्ति है उसमें, वो नाग बाबा का पूरा के पूरा शेप में है और वो बढ़ रहा है हमारे आंखें के सामने, ये करीबी तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से आधे किलोमीटर आप की जमीन में, हमारे ही जमीन में, और अपने से वो कितने साल में आया? हम जब से जमीन लिए, जो हम अपना एस्कोवेटा लेकर ग्रेड कर रहे थे, तो जो ऑपरेटर था वो भाई ईसाई धर्म मानने वाला था, तो जैसे ही उसने उनको हटाना चाहा, वो देखा और जुड़ते कहने लगा भाई यहाँ आओ, तो मैंने उसके करीब गया कि बोला ये कुछ कोई चमत्कारी चीज़ है भाई, मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, तो उसने तुरंत वो बंद किया और हम सब लोग ने देखना शुरू किया, फिर हमने उनके बगल सब साफ किया, और फिर हम लोग ने आजमाना शुरू किया कि भाई चलो देखो ये सचमुच में कुछ चमत्कारी चीज़ है, तो बिल्कुल नाग बाबा के ही शेप में है, और पीछे की ओर से आप देखोगे तो पूरा गणेश भगवान का शेप है। अच्छा, तो फिर वो हम जब देखे थे तो लगभग करीबन 4 फीट या 3-3.5 फीट का वो साइज़ में था, अभी तो लगभग 6 फीट का हो चुका है। अच्छा, 3 साल में 6 फुट हो गया, तो चमत्कारी तो है ही, चमत्कारी तो है, क्योंकि हमारे ख्याल से पत्थर जो है वो बढ़ता नहीं है, तो इसको तो ज़रूर हम यही कहेंगे कि आपके देश में, आपके गांव में साक्षात नाग बाबा है। तो अगर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अतीश भाई या शांडिल भाई, अगर जो अपने ओर से कुछ दान पुण्य मंदिर के प्रति कुछ देना चाहें, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आभारी प्रकट करेंगे, क्योंकि हमारे तो बहुत छोटे से टापू है, हम लोग बस बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़े ही यहाँ पर हमारा मज़हब वाला लोग है यहाँ पर, तो हमें अगर हम अकेले करेंगे, ये नहीं तो कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, अकेले करेंगे तो हमें कुछ समय लगेगा, पर अगर कोई कार्य हम मिल के करेंगे तो हम तुरंत कर सकते हैं। तो मैं इससे मांग नहीं कर रहा हूँ, पर अगर कोई अपनी ओर से हमें इस कार्य के लिए मदद करना चाहेंगे, ये मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर, इस मंदिर बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, कुछ टीन चाहिए? हाँ, हमें टीन तो खुद की है आपका? हाँ, टीन तो मैं वैसे भी डोनेशन दे दूंगा। राइट, तो लकड़ी चाहिए और सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, सब ना? हाँ, और लोहा चाहिए, अंदर का वगैरह की हमें अच्छे से बनाना चाहिए, टाइल वगैरह चाहिए, और जो बनाने की जो एक कॉन्ट्रेक्टर के पे करना है वो कैपिटल चाहिए ना, कैपिटल चाहिए, तो थोड़ा कुछ खर्चा लगेगा। तो याद रहे साथियों, झरोका अब इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ में दो भाई हैं और रूबरू नाग बाबा के दर्शन यहाँ पर लोग कर सकते हैं।
हालांकि आप लंबासा अगर जो जाएंगे, बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही बड़ा नाग बाबा के वहाँ पर हुए। अब ऐसे पता लगा है कि देखिए, आप खुद आप अपने कानों से सुना कि ये जो नाग बाबा निकला हुआ है, ये 3 साल में 6 फुट हो गया है, छोटा सा 3 साल में बढ़ गया है, तो उसमें बहुत बड़ी चमत्कारी है। लोग दूर दूर से, मैंने 2-3 लोगों से सुना है कि विनती करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, मन्नतें मांगने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उनके मन्नतें पूरा होता है हमारे ख्याल से, है ना। और उसे आज भी मैंने किसी से बात किया, उन्होंने भी हमको यही बात बताया कि अगर जो कुछ भी कार्य करने से पहले हम इस मंदिर में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, और उनके शक्ति से आज बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी यहाँ पर बन चुके हैं। एनीवे, बस थोड़ा समय हम और लेंगे आपको। विशेष तौर पर आतिश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे झरोका प्रोग्राम के आपने शोभा बढ़ाया, और आपको हम अनेकों अनेकों धन्यवाद देते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस मंदिर को हम झरोका के साथ में होकर और आपके साथ में होकर एक विशाल मंदिर यहाँ पर हम खड़ा करें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, याद रहे साथियों, आप देख रहे हैं झरोका, सुंदर सुंदर कहानी हम आपको लेकर आ रहे हैं, ये सब ताइविनी के हसीन वादियों से। सी यू नेक्स्ट। Electrical sales and service for all your electrical need. Call 027-243-6721. Electrical sales and service. Alice Solid Plastering. For all your solid plastering need, call 021-705-956. Rainbow's Bin. For all your bins, call 092-599-9992. Rainbow's Bin. For your best quality kava, come to Kava Saloon, Waimalikaneni. Remember, Kava Saloon, Waimalikaneni. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. Moria, 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 Mo
Lekin isne pyar